तो दोस्तों अब तक हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा है जहाँ पर अभी गोकू की ताकत कम हो चुकी है, लेकिन तभी आ चुका है ये गुड बू जो कि इसे रोकने में कामयाब होता है और थोड़ा सा वक्त मिल जाता है गोकू की पावर एनहांस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अच्छा वाला मांजिन बू ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, अभी कुछ कर गुजरने का मौका था। अब वेजिटा अपना दिमाग लड़ाता है जो कहता है कि कैकारोट तुमने कितनी बार इस अर्थ को बचाया। गोकू कहता है याद नहीं, लेकिन शायद से 4-5 बार तो बचाया ही होगा। तभी वेजिटा कहता है अब इस बार उसे बचाना भूल जाओ, जो जैसा है वैसा ही छोड़ दो। जहाँ वेजिटा ने एक प्लान बनाया और इधर डेंडे ने नेमेक प्लैनेट पर जाकर पोरुंगा को बुलाया और पहली इच्छा के साथ ये अर्थ क्रिएट हो चुकी है और दूसरी इच्छा के साथ उसके सारे लोग वापस भी आ चुके हैं। अब वेजिटा के दिमाग का प्लान सामने आता है जो कहता है कि तुम स्पिरिट बॉम्ब बनाओ। ये सुनकर हम भी चौंकते हैं और उधर गोकू भी, और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो और एक साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट भी। तभी इधर हम अर्थ पर देखते हैं सारे लोग खुश है और वो खुशियां मना रहे हैं। तभी पिकलो कहता है कि भाई मानो ऐसा हुआ है कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह से ये लोग भी पेश आ रहे हैं और इस तरह से सारी चीजें फिर से रेडी हो चुकी हैं। तभी गोटन पूछता है कि मांजिन बू कहाँ पर है। ट्रंक्स कहता है मिस्टर सेटन भी नहीं है। ट्रंक्स कहता है ये अगर उन्होंने बू को हरा दिया होगा तो बहुत मजा आएगा। इधर बुलमा यामचा को पूछती है कि तुम लोग दूसरी दुनिया में कहाँ पर थे। यामचा कहता है कि किंग काय के साथ थे हम। गोकू कहता है वो स्पिरिट बॉम्ब फ्रीजा के टाइम पे तो वो नाकामयाब साबित हुआ था, तो इस बार होगा। वेजिटा कहता है हाँ जरूर होगा, तुम करके तो देखो। जहाँ गोकू कहता है हाँ इसलिए तुमने ऐसा कहा था, इसलिए तुमने अर्थ को वापिस लाया ताकि मैं स्पिरिट बॉम्ब बना सकूं। इधर गुड बू और एविल बू कंटिन्यू लड़े जा रहे हैं। कंटिन्यू मारने के बाद भी ये गुड बू एविल बू को हरा नहीं पा रहा है और ना ही एविल बू गुड बू को हरा पा रहा है। लेकिन एक लात मारने के बाद बहुत तेज लाते मारता है ये एविल बू और वो थक जाता है और बैठ जाता है। इधर दोनों बूस को लगती तो है लेकिन उन्हें कोई असर ही नहीं दिख रहा। अब ये गुड बू चिल्लाता है कि बू बन जा कैंडी, लेकिन वो हट जाता है एविल बू और पत्थर ही कन्वर्ट हो जाते हैं कैंडीज में। वेजिटा कहता है अब टाइम हो चुका है। जहाँ गोकू कहता है कि तुम्हें सच में लगता है वेजिटा कि पृथ्वी के लोगों के पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। गोकू कहता है कि मेरा मतलब है कि इंसानों की शक्ति काफी होगी। वेजिटा कहता है हाँ इंसानों की शक्ति को कभी भी कम मत समझना। वेजिटा कहता है हम थोड़ी सी ऊर्जा नहीं लेंगे, हम इतनी ऊर्जा लेंगे जो वो लोग दे सकते हैं। इधर पोरुंगा पूछता है कि तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है। डेंडे पूछता है वेजिटा बताओ तीसरी इच्छा क्या मांगू मैं। तभी वेजिटा कहता है क्या वहाँ पर सुप्रीम काय है। सुप्रीम काय कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ। वेजिटा कहता है मुझे पृथ्वी के सारे लोगों से बात करनी है। सुप्रीम काय चौक उठते हैं और पूछते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि संकेतों की तरह ही बात करना चाहते हो तुम सारी पृथ्वीवासियों से। ओल्ड काय कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। वेजिटा चिल्लाता है क्या इसका मतलब क्या है। तभी किंग का आवाज देते हैं कि हे दोस्तों इसका इंतजाम मैं करवा सकता हूँ और गोकू खुश हो चुका है। क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसमें माहिर हूँ, ये तो बच्चों का खेल है। टेलीपैथी के जरिए मैं वैसे भी ग्रहों से संपर्क तो साधता ही था ना। ओके वेजिटा मैं तैयार हूँ, जब भी वक्त मिले मुझे बता देना। वेजिटा कहता है पृथ्वीवासियों बहुत ध्यान से सुनो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हाल ही में अजीब अजीब घटनाएं घटी है। मांजिन बू ने आपके पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया था, मगर फिर जादू से पहले जैसी सब कुछ चीजें ठीक कर दी गई। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ये हुआ है या नहीं, लेकिन मैं बता दूं ये 100% सच है। तभी मिस्टर सेटन आते और कहते हैं कि ये लड़का क्या बोल रहा है। गोकू शांत कराता है और वो कहता है कि ये लोग पृथ्वीवासी से बात कर रहे हैं। मिस्टर सेटन कहते हैं तुम लोग ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा वहाँ पर जाओ बू की मदद करो। गोकू कहता है हम वही कर रहे हैं, भरोसा रखो यही अच्छा तरीका है। वेजिटा कहता है बदकिस्मती से मांजिन बू अभी भी जिंदा है और पृथ्वी खतरे में है। आप सबकी ओर से कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही इसका मोर्चा संभाला है, मगर अब ये युद्ध बहुत ही भयानक मोड़ पर आ चुका है और अब हम खुद नहीं जीत पा रहे हैं। इसीलिए मैं आप सब से बात कर रहा हूँ मदद मांगने के लिए। अगर आप सब लोग आसमान की तरफ हाथ करेंगे तो आपकी थोड़ी ऊर्जा से हम मांजिन बू को खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए, और फिर किसी की मजाल नहीं होगी तुम लोगों को चींटियों की तरह मसलने की। आप सभी के अंदर एक महान योद्धा छुपा हुआ है
और उसे बाहर आने दीजिए। इसी वक्त अपने हाथ ऊपर उठाइए। अभी किंकाय कहते हैं कि बोलने के मामले में होशियार है वो, क्या बात है। वेजिटा कहता है कि कैकरोट तैयार हो जाओ। गोकू कहता है हाँ ठीक है, आज तुमने सच में कमाल कर दिया, मुझे तुम पर नाज है वेजिटा। गोकू उड़कर ऊपर जाता है, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ मोड़ लेता है। गोहान चिल्लाता है कि टाइम हो चुका है और मेरे डैड तैयार हैं। अब आएगा ना असली मजा। ये सारे लोग हाथ ऊपर करके खड़े हैं। पिकलो हंसता है और कहता है कि किसने सोचा था वेजिटा इतना बड़ा काम करेगा। अब स्पिरिट बॉम्ब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, जहाँ गोकू कहता है कि इस रफ्तार से तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो सिर्फ गोहान के ग्रुप से है, बहुत ही कमाल की शुरुआत हुई है। अगर बाकी सब भी इस तरह मदद करेंगे तो हमारे पास जरूरत से ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी। वेजिटा कहता है शाबाश, बात बन रही है, और आने दो, हमें और चाहिए, और तुम्हारे पास जो भी है उसे दे दो। पृथ्वीवासियों बात बन रही है, अपने सब के सब हाथ ऊपर उठाओ। इधर डेंडे के लुकआउट में ये सारे लोग हाथ ऊपर करके हंसते हैं। गोकू को पता चल रहा है कि ये ऊर्जा बुलमा और क्रिलिन के ग्रुप से आई है। इधर डेंडे कहता है शाबाश गोकू, शायद से इतना गोला काफी होगा। सुप्रीम क्या कहते हैं नहीं अभी नहीं। सुप्रीम क्या कहते हैं कि इस तरह से होता रहा तो जल्दी ही हम कामयाब हो जाएंगे। अब किंकाय इंटरफेयर करते हैं। किंकाय कहते हैं कि अगर गोकू सारे पृथ्वीवासी से ऊर्जा ले रहा होता तो बहुत बड़ी हो जाती अब तक ये ऊर्जा, कुछ तो गड़बड़ है। एल्डर कहता है चलो देखते हैं। वो आता है और पुरुंगा को पूछता है कि पुरुंगा तुम्हें क्या लगता है, तुमने सारे पृथ्वीवासी को जिंदा कर दिया था। पुरुंगा कहता है आपको मुझ पर शक है, वही हुआ है जो मैंने कहा है। इधर अभी भी गुड और एविल बू लड़ते जा रहे हैं। अब गुड बू का हाथ ही चबा लेता है ये एविल बू। वैसे ही गुड बू एक बड़ा ब्लास्ट करता है लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। इधर गुड बू मारने जाता है, वैसे ही एविल बू गायब होकर ऊपर से एक बड़ा ब्लास्ट फेंक देता है इसके ऊपर। तभी इधर सुप्रीम काय कहते हैं ये क्या, हमारा ग्रह तो नष्ट हो रहा है, ये इतना ज्यादा हमला कर दिया है एविल बू ने। अब गोकू कैसे तो खुद को रोक रहा है, जो कह रहा है कि मैं इस ऊर्जा को नहीं खो सकता। तभी वेजिटा कहता है उड़ा दो उसे। वेजिटा देखता है और कहता है वो मोटा बू खत्म हो चुका है। वेजिटा कहता है सब खत्म हो गया, अब हमें और वक्त चाहिए था। जाइदर मिस्टर सेटन चिल्लाते हैं वेजिटा के पास आकर देखो वो बू जिंदा है। बू चारों हाथों से साइड में निकलता है और चार बू बना लेता है जिसके बीच में एविल बू खड़ा है। अब ये चारों गुड बू मिलके एविल बू की बैंड बजा रहे हैं। इधर वेजिटा शाबाश कह ही रहा होता है तभी गोकू आवाज देता है वेजिटा इतने से एनर्जी से कुछ नहीं होगा, हमें और एनर्जी चाहिए। वेजिटा कहता है अब क्या हुआ, अब तक तो ये काम पूरा हो जाना चाहिए था। तभी आवाज आती है कि तुम क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो। मैं क्यों हाथ उठाऊं, ये बेकार की बातें हैं। मिस्टर सेटन भी चौंक चुके हैं कि भाई ये आवाज आ तो आ कहां से रही है। इधर वेजिटा कहता है ये क्या, कोई साथ ही नहीं दे रहा। इधर हम अर्थ पर देखते हैं, लोग चिंता ही नहीं कर रहे हैं, लोग खुश है अपने ही मगन मस्ती में। अब वेजिटा को गुस्सा आ चुका है जो कहता है कि ये सब पागल है क्या। वेजिटा को इतना गुस्सा आ चुका है उसने पैर पटक दिया है और कहता है कि बच्चों जैसे है सब, सबको बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तुम लोग कब बड़े होगे, तुम अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकते क्या। गोकू भी टेंशन में है कि इतनी देर क्यों हो रही है, कोई भी अपनी ऊर्जा क्यों नहीं दे रहा है, हमारे पास वक्त नहीं है, हर पल कीमती है। इधर गुड बू कंटिन्यू पीटे जा रहे हैं इस एविल बू को, लेकिन मौका देखकर एविल बू वहां से निकल लेता है। तभी वो देखता है कि ये सारे बू एक दूसरे के अंदर ही जकड़ चुके हैं, जहां एक ब्लास्ट कर ही देता है ये एविल बू। अब एविल बू को लग तो चुकी है लेकिन वो उठता है और एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। अब जैसे ही ये एनर्जी आती है वैसे ही एविल बू अपने दोनों हाथों से उसे बंद कर देता है। अब तीन बॉल फेंकता है ये गुड बू, एविल बू उसे लात मारकर फेंक देता है। अब गुड बू की एनर्जी कम हो चुकी है जिसके हाथ से एनर्जी ब्लास्ट निकल ही नहीं रहे, ये देखकर एविल बू उसे लात मार देता है। इधर मिस्टर सेटन पैर पकड़कर रो रहे हैं वेजिटा का और कह रहे हैं कि मैं भीख मांग रहा हूँ, उसकी मदद कीजिए। वेजिटा गुस्से में कहता है ना समझ पृथ्वीवासी, वो इस लायक ही नहीं है कि वो जिंदा रह सके। इधर किंकाय कहते हैं रुको वेजिटा, उन्हें फिर से समझाना होगा, और कोई चारा नहीं है, उनकी जगह पर खुद को रख कर देखो। अगर तुम आसमान से कोई अजीब आवाज सुनते तो क्या तुम उसकी बात मानते, ऐसी चीज उनकी जिंदगी में रोज रोज नहीं होती, तुम्हें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। वेजिटा कहता है ठीक है मैं करता हूँ और जोर से चिल्लाता है इसी वक्त हाथ ऊपर करो नहीं तो तुम सब लोग मारे जाओगे। इधर हम इन सारे एविल लोगों को देखते हैं जहाँ फ्रीजा कहता है कि उसने प्लान तो अच्छा बनाया लेकिन उसने एक गलती कर दी,
थी जो कि पृथ्वीवासी पर भरोसा किया। उन बेवकूफों को कोई नहीं बचा पाएगा। गोकू कहता है, हे उधर नीचे क्या हो रहा है? हमारे दोस्तों और परिवार वालों के अलावा किसी ने ऊर्जा नहीं दी है। वेजिटा कहता है, जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो नासमझ पृथ्वीवासी मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गोकू चिल्लाता है, वेजिटा तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। वेजिटा फिर से ठीक है कहता है। वेजिटा कहता है, पृथ्वी में रहने वालों, तुम सबकी जान खतरे में है। माजिन बू हारा नहीं है, वो जिंदा है। कुछ देर पहले तुम्हारा ग्रह नष्ट हो गया था और ये कोई सपना नहीं था, और अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी तो फिर से नष्ट हो जाएगा। अपने हाथ उठाओ, अपने ग्रह की रक्षा करो। इसके पहले माजिन बू तुम्हारे ग्रह को खत्म कर दे, तुम ही उसको खत्म कर दो। वेजिटा की आवाज इन बेरे कानों में पहुंच नहीं रही है। इधर गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब को अपने हाथों पर उठा के रखा है। इधर सेन के दिमाग में यही चल रहा है कि ऊर्जा का समुंदर उन सब के दिमाग में कैसे डाला जाए और उन्हें कैसे अपनी ओर खींचा जाए। क्या वो उन्हें समझा पाएगा? ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।